मेरे जिगर के टुकड़ों, आज की मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें एक लड़की के डैडी उसको 20 सालों तक कैद करके उसके साथ काफी कुछ गलत करते हैं। मूवी काफी इमोशनल है। आई होप आपको फिल्म पसंद आएगी। फिल्म का नाम है गर्ल इन अ बेसमेंट। एक खूबसूरत लड़की को दिखाकर इस मूवी की स्टार्टिंग होती है। इस लड़की का नाम सारा है जो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। सारा रात में पार्टी में जाना चाहती है जिस पर उसकी मॉम उसे जाने की परमिशन दे देती है, पर उसके डैड उसे कहीं नहीं जाने देना चाहते हैं। सारा को आजादी चाहिए होती है जिस पर वो खाने के टेबल पर ही लड़ती है और वहाँ से चली जाती है। सारा के डैड का नाम डॉन होता है। वो बहुत ही बगैरत किस्म के आदमी है। वो सारा को कोई आजादी नहीं देना चाहते हैं, लेकिन उसी रात सारा चुपके से घर से बाहर आ जाती है और अपने बेस्ट फ्रेंड क्रिस्टोफर के साथ पार्टी में चली जाती है। वहीं रात में जब सारा की मॉम उसके रूम में जाती है तो सारा अपने रूम पर नहीं होती है। ये बात मॉम डॉन को आकर बता देती है। डॉन समझ जाता है कि सारा चुपचाप घर से निकल के पार्टी में चली गई है। डॉन अब काफी गुस्से में होते हैं। सुबह जब सारा पार्टी से अपने घर आ जाती है तो उसके डैड बाहर ही उसका वेट कर रहे थे। वो सारा से डोर पर ही चिल्लाने लगते हैं। अब सारा अपने घर के अंदर आती है और वो डैड की बातों को सुन भी नहीं रही होती है। वहीं सारा की मॉम भी आ जाती है और वो सारा को बचा लेती है। इसके बाद सारा अपने रूम पर जाती है और बाद में वो अपनी मॉम और अपनी बड़ी सिस्टर को बताती है कि 3 महीने बाद वो 18 साल की हो जाएगी और फिर वो अपने बॉयफ्रेंड क्रिस्टोफर के साथ रहने चली जाएगी जो उसे काफी प्यार करता है और सारी आजादी देता है। हम देखते हैं कि डॉन भी ये सब डोर पर कान लगाकर सुन लेता है। फिर डॉन अपने घर के तहखाने में जाकर एक सीक्रेट रूम को खोलता है जिसके बारे में उसके घर पर किसी को कुछ नहीं पता होता। ये बेसमेंट रूम जंग बचने के लिए घरों में बनाए जाते थे। अब डॉन इस रूम को साफ करता है और यहाँ पर किसी इंसान के रहने के लिए सारी तैयारी भी कर देता है। फिर मूवी को 3 महीने आगे कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि डॉन अपने गार्डन में काम कर रहा है और सारा अपने बॉयफ्रेंड से कॉल पर बात कर रही होती है। सारा की मॉम और सिस्टर घर से बाहर किसी काम से गए होते हैं। सारा जल्दी 18 साल की होने वाली है। वहीं डॉन सारा के पास आता है और कहता है कि उसे एक बॉक्स को बेसमेंट में रखना है जिसके लिए उसकी मदद चाहिए। तो सारा भी डॉन के साथ वो बॉक्स लेकर बेसमेंट में आ जाती है। फिर डॉन उस सीक्रेट रूम को खोलता है जिसको देखकर सारा भी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो भी इस रूम के बारे में नहीं जानती थी। डॉन अब सारा को उस रूम के अंदर ले जाता है और फिर उसे बातों में उलझा लेता है। सारा भी उस पर शक नहीं करती, लेकिन डॉन तभी उसको रूम में बंद करके रूम के बाहर आ जाता है। सारा को काफी अजीब लगता है कि ये उसके साथ क्या हो गया। वो काफी देर तक डॉन को उसे खोलने के लिए भी कहती है, पर डॉन सारा की नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। सारा को अभी भी ये समझ नहीं आता है और वो डोर के लॉक को खोलने लगती है, लेकिन लॉक तो नहीं खुलता। ऊपर से उस रूम की लाइट भी चली जाती है। डॉन ने यहाँ पर काफी मजबूत सिक्योरिटी वाले लॉक लगाए थे जो कि इलेक्ट्रॉनिक थे, और अगर कोई इन्हें गलत पासवर्ड से खोलने की कोशिश करेगा तो रूम की लाइट भी चली जाती थी। ये रूम जमीन के अंदर था और यहाँ पर ऑक्सीजन भी मशीनों से आती थी। अब लाइट जाने से वो सब भी बंद हो जाती है। सारा का ये रूम पूरी तरह से खाली था और वहाँ पर केवल वही एक बॉक्स था जो वो डॉन के साथ लाई थी। वो देखती है कि इसके अंदर क्या है और उसमें सारा की सभी जरूरत का सामान होता है जिससे वो तहखाने में रह सकती हो। सारा अब समझ जाती है कि उसके डैड उसे यहाँ कैद करके रखने वाले थे, तो वो काफी घबरा जाती है और ऑक्सीजन बाहर जाने वाली खिड़की से सारा चिल्लाने लगती है और हेल्प मांगने लगती है। डॉन देखता है कि सारा की आवाज ऊपर तक आ रही है और वो उस खिड़की को भी बंद कर देता है। ये तहखाना एक साउंड प्रूफ रूम था और अब सारा की आवाज कहीं से भी बाहर नहीं जा सकती थी। सारा को कुछ समझ नहीं आता और वो सोचती और इंतजार करती है कि यहाँ से कैसे भागे। वहीं ऊपर उसके घर पर उसकी मॉम और सिस्टर आ जाती हैं और उसके लिए काफी फिक्र करती हैं, लेकिन डॉन कुछ नहीं कहता। अब जैसे कि उसे सारा से कोई फर्क ना पड़ता हो। अगले दिन सारा फिर से डोर पर ही हेल्प के लिए काफी चिल्लाती है, पर जैसे ही वो लॉक को फिर से जबरदस्ती खोलने की कोशिश करती है तो फिर से उसके साथ कल जैसा होता है। लाइट चली जाती है और अब सारा भी समझ जाती है कि यहाँ पर जानबूझकर ऐसा किया गया है। फिर डॉन वहाँ आता है और सारा उसे पुश करके वहाँ से आजाद होने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ से बाहर जाने वाला दूसरा डोर भी लॉक होता है। डॉन सारा को काफी बेरहमी से दोबारा तहखाने में लाता है और उस पर चिल्लाता है। अब सारा भी समझ गई होती है कि डॉन ने ये सब प्लान किया है। डॉन सारा से कहता है कि अगर वो उसकी बात मानेगी तो वो यहाँ से उसे जल्दी आजाद कर देगा, लेकिन सारा डॉन की किसी बात को मानने से मना कर देती है। अब डॉन काफी गुस्से में होता है। सारा डॉन पर काफी चिल्लाती है, लेकिन डॉन उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होकर वहाँ से चला जाता है। सारा की हालत अब काफी खराब होती है और उसे उल्टी होने लगती है। वहीं सारा की मॉम घर पर पुलिस बुला लेती है क्योंकि उन्हें सारा की काफी फिक्र होती है, लेकिन तभी डॉन पुलिस ऑफिसर से कहता है कि
सारा अपने मन से घर छोड़कर गई है क्योंकि वो 18 साल की हो गई थी और अब वो हमारे साथ रहना नहीं चाहती थी। उसने इस बात को अपनी सिस्टर और मॉम को भी बताया है। मॉम कहती है कि सारा ऐसा कहती थी पर वो ऐसा कर नहीं सकती। वहीं पुलिस ऑफिसर को भी यही लगता है और वो कहता है कि हम सारा की जानकारी करेंगे लेकिन हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से गई है और थोड़े टाइम बाद वापस आ जाए। दूसरी तरफ सारा अब काफी परेशान होती है क्योंकि जॉन ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया था। इसी बीच सारा का बॉयफ्रेंड क्रिस्टोफर भी काफी परेशान होता है और वो सारा का पता करने के लिए उसके घर पर आता है। यहाँ डॉन उसको बाहर गार्डन में ही रोक देता है और बताता है कि सारा अपने एक बचपन के दोस्त के साथ भाग गई है। क्रिस्टोफर भी इस बात पर यकीन कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब मूवी को फिर से 21 दिन आगे कर दिया जाता है जहाँ सारा का बर्थडे होता है और सारा पूरे 18 साल की हो जाती है। डॉन तहखाने में उसके लिए एक केक कैंडल लेकर आता है और सारा को कैंडल बुझाकर सेलिब्रेट करने को कहता है। इस बार सारा उसकी बात मान लेती है और सोचती है कि अगर वो डॉन की बात मानेगी तो जल्दी यहाँ से निकल जाएगी। डॉन सारा के लिए एक रेड ड्रेस भी लाता है और उसे पहनने को कहता है। सारा भी एक एक करके डॉन की सारी बात मानने लगती है और वो ड्रेस पहन लेती है। डॉन सारा से फर्डे विश मांगने को कहता है तो सारा उसे यहाँ से आजाद करने के लिए कहती है पर डॉन कहता है अभी ऐसा नहीं होगा। तो सारा एक टीवी और घड़ी मांगती है क्योंकि उसे यहाँ पर टाइम का कुछ पता नहीं चलता था। डॉन की नीयत अब सारा पर काफी खराब हो जाती है और फिर से वो सारा के साथ उसके बर्थडे वाले दिन की जबरदस्ती करता है। सारा इस बार सब कुछ सह रही होती है क्योंकि अब वो मन ही मन सारा काफी कमजोर हो गई थी। फिर अगले दिन डॉन सारा के लिए एक घड़ी ला देता है। सारा खुद ही यहाँ से भागने के बारे में फिर से सोचती है और खाने के डिब्बे से एक नुकीला हथियार बना लेती है और वो रेड ड्रेस पहनकर डॉन को अपने पास बुलाती है। पर डॉन उसके इरादे समझ जाता है और उसे उस रात बेरहमी से बहुत ज्यादा ही मारता है जिसमें सारा का हाथ भी फ्रैक्चर हो जाता है और सारा की ये कोशिश भी नाकाम रहती है। सारा को ये सब झेलते हुए अब 1 साल हो जाता है और अब सारा के पेट में बेबी होता है। डॉन सारा के लिए तहखाने में उसकी सारी जरूरत का सामान लाकर देता रहता है और सारा किताबें पढ़कर ही उसी तहखाने में खुद से ही अपने पहले बच्चे को जन्म देती है जिसमें उसे काफी कुछ झेलना पड़ता है। सारा को एक बेबी गर्ल होती है लेकिन डॉन बेबी देखकर खुश नहीं होता। वहीं सारा उस बच्चे के साथ उसी तहखाने में रहने लगती है और वो अब यहाँ से बाहर निकलने के बारे में भी सोचना बंद कर देती है। सारा पूरा टाइम अपनी बेबी को ही देने लगती है और उसका नाम वो मैरी रखती है। ऐसे ही चलते चलते 4 साल और बीत जाते हैं और सारा की मॉम आज भी उसे मिस करती है और उसकी फिक्र करती है। वहीं घर के नीचे तहखाने में हम देखते हैं कि सारा फिर से एक बार प्रेग्नेंट होती है और वो अब डॉन के साथ एक वाइफ की तरह रहती है। उसकी बेटी मैरी भी अब बड़ी हो जाती है और डॉन उसके लिए भी तहखाने में सारा जरूरत का सामान ला देता है। सारा उस तहखाने को ही सजा कर मैरी के साथ वहाँ रहने लगती है। फिर एक दिन डॉन उसे बताता है कि उसका प्रमोशन हो गया है और फिर वो ऊपर घर पर आ जाता है जहाँ वो सारा की मॉम को भी प्रमोशन के बारे में बताता है जिस पर मॉम कहती है कि हमें एक डिटेक्टिव करके सारा के बारे में पता लगाना चाहिए। जिस पर डॉन गुस्से में कहता है कि अभी भी हमारे पास एक बेटी बची है, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए और वहाँ से चला जाता है। वहीं इतने साल बाद डॉन सारा के लिए तहखाने में एक टीवी ला देता है और टीवी देखकर सारा काफी खुश हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद सारा फिर से तहखाने में ही एक और बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम वो माइक रखती है। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है और सारा का बेटा भी 2 साल का हो जाता है। फिर एक दिन मैरी की तबीयत खराब हो जाती है तो डॉन उसके लिए दवाई ला देता है पर सारा चाहती थी कि मैरी को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले क्योंकि उसे उसकी फिक्र होती है। असल में बचपन से ही तहखाने में रहने की वजह से मैरी को अस्थमा हो जाता है। डॉन उसे बाहर हॉस्पिटल में लेके जाने से मना कर देता है जिस पर दोनों फिर से एक बार काफी लड़ते हैं लेकिन सारा उस तहखाने में भी अपने बच्चे का काफी ख्याल रखती है और इस तहखाने को ही अपना घर मान लेती है। वहीं सालों बाद फिर से क्रिस्टोफर सारा के बारे में पूछने आता है जिस पर उसे इस बार सारा की सिस्टर मिल जाती है। वो बताता है कि डॉन ने उसे बताया है कि सारा अपने बचपन के फ्रेंड के साथ भाग गई थी लेकिन उसकी सिस्टर कहती है कि किसी को नहीं पता ये सच है या नहीं। वो ये भी कहती है कि उसे ऐसा लगता है शायद उसके डैड ने उसे कहीं छिपा दिया है या फिर वो सच में कहीं आजादी से जी रही है। आगे की मूवी काफी इमोशनल है। आइए देखते हैं कि सारा की आजादी को अभी और कितनी देर है, वो कैसे आजाद होगी। वहीं हम देखते हैं कि सारा एक बार फिर से प्रेग्नेंट होती है और मैरी भी अब इस तहखाने से बाहर जाने के लिए कहती रहती है पर सारा उसे जैसे तैसे हर बार मना लेती है। वहीं घर पर सारा की मॉम डॉन से इस बात पर लड़ती है कि उन्होंने कभी सारा के बारे में पता करने की कोशिश नहीं की और दूसरी बेटी भी अब डॉन पर ही शक करने लगती है। वहीं डॉन गलती से तहखाने की चाबी गिरा देता है और सारा की सिस्टर जान जाती है कि ये बेसमेंट की चाबी है। जब वो वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ रहने खाने के लिए काफी सामान रखा हुआ होता है कि उतने में ही डॉन वहाँ आ जाता है और उस पर चिल्लाकर यहाँ कभी दोबारा न आने के लिए कहता है और सारा की सिस्टर ऊपर चली जाती है। वहीं सारा फिर से एक बार बहुत तकलीफों के बाद अपने तीसरे बच्चे को भी उसी तहखाने में जन्म दे देती है जो कि एक बेबी बॉय होता है। सारा अब जान गई
रही होती है कि डॉन से कैसे बात करनी है। फिर एक दिन वो डॉन को कहती है कि वो उस बच्चे को उसकी मॉम को दे दे, क्योंकि ये जगह छोटी है और वो अकेले 3 बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगी। डॉन को भी यही सही लगा है और वो उस बच्चे को अपने घर के बाहर एक नोट के साथ रख देता है, जिसमें सारा ने लिखा होता है कि उसकी पैसों को लेकर तंगी है और वो इस बेबी को पालने के लिए रेडी नहीं है। इसे आप रख लें और कुछ दिनों बाद हालत सही होने पर मैं इसे ले जाऊंगी। सारा की मॉम तुरंत उस बच्चे को एडॉप्ट कर लेती है और सारा के आने का वेट करने लगती है। लेकिन सारा वहीं एक और नोट डाल देती है कि डैड ने उसे बेसमेंट में बंद कर दिया है, जल्दी से उसकी हेल्प करो। पर मॉम के हाथ लगने से पहले ये नोट डॉन के हाथ लग जाता है और फिर से एक बार डॉन तहखाने में जाकर सारा को मारता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। अब हम देखते हैं कि सारा के बच्चे भी बड़े हो गए हैं और वो उस तहखाने को अपना घर मानने लगे हैं। फिर एक दिन सारा देखती है कि डॉन उसकी बेटी को घूर रहा था और डॉन का चेहरा साफ बता रहा था कि उसके क्या इरादे हैं। वो डॉन को कहती है कि ऐसा कुछ करने के बारे में सोचना भी मत। वहीं सारा को अपनी बेटी की काफी फिक्र होती है क्योंकि वो बीमार ही रहती है। फिर एक दिन बाहर बारिश की वजह से उनके तहखाने में भी पानी आने लगता है और सारा जान जाती है कि वो वहाँ की दीवार समय के साथ कमजोर हो गई है और वहाँ से किसी को बताया जा सकता है कि वो नीचे फंसे हुए हैं। सारा उस जगह पर सुराख कर देती है और रात में वहाँ पर टॉर्च लगा देती है, जिसकी रोशनी बाहर एक आदमी देख लेता है और वो घर जाकर डॉन को ही बता देता है। डॉन फिर से गुस्सा हो जाता है और अब वो जाकर फिर से सारा को तहखाने में बहुत ज्यादा मारता है। सारा का मिसकैरेज हो जाता है और डॉन उस बच्चे को जाकर गार्डन में ही दफना देता है। इस बात से सारा और उसके बच्चे बहुत दुखी होते हैं। सारा अगले दिन डॉन से उसके उस लड़के के बारे में पूछती है जो उसने अपनी मॉम को दे दिया था और अब तक वो भी 18 साल का हो गया था। डॉन कहता है कि वो एक अच्छा प्लेयर है और अगले महीने वो एक चैंपियनशिप भी खेलने वाला है। उसके दोनों बच्चे भी ये सब सुनकर और बाहर जाकर खेलने के लिए कहते हैं। डॉन उनसे कहता है कि वो तब तक बाहर नहीं जा सकता जब तक उसकी मॉम का बर्ताव अच्छा नहीं हो जाता। डॉन के जाने के बाद दोनों बच्चे अब सारा पर ही गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि आप इस आदमी की सारी बातें क्यों मानती हो, जिस पर सारा कहती है कि वो अपने बच्चों को बचा रही है बस। लेकिन सारा को भी ये सब सोचकर काफी गुस्सा आता है और वो सारा सामान फेंक कर एक कोने में सो जाती है। पर बच्चे सारा के उठने से पहले सारा सामान सही से वापस रख देते हैं और सुबह वो सारा से सच्चाई पूछते हैं। सारा इस पर बच्चों को डॉन की सारी सच्चाई बता देती है। ये बातें सुनकर दोनों बच्चे काफी हैरान हो जाते हैं और डर भी जाते हैं। सारा की बेटी को डर की वजह से अस्थमा अटैक भी आ जाता है। डॉन भी जान जाता है कि बच्चों को अब सब पता है और फिर से वो गुस्सा होकर सारा को टॉर्चर करने लगता है। पर इस बार माइक डॉन को धक्का दे देता है। डॉन भी अब काफी बूढ़ा हो गया था और सारा के बेटा काफी स्ट्रांग था तो वो आसानी से उसे रोक देता है। अब डॉन जान जाता है कि वो ऐसे जीत नहीं पाएगा, वहाँ से चला जाता है। फिर वो पनिशमेंट के लिए तहखाने की लाइट बंद कर देता है। वहीं अब डॉन की नौकरी भी चली जाती है और उसके ऊपर कुछ लोन भी होते हैं जिन्हें भरने में डॉन को काफी दिक्कत आती है। उसकी सारी सेविंग्स भी दोनों घर को चलाने में खत्म हो गई थी। फिर वो सारा और बच्चों को मारने का सोचता है और उस ऑक्सीजन वाली खिड़की पर अपनी कार का धुआं छोड़कर उन्हें दम घुटने की वजह से मारने लगता है। पर वहाँ पर सारा का वो बेटा आ जाता है जो उसने अपनी मॉम को दिया था तो डॉन रुक जाता है और सारा और उसकी फैमिली अभी भी जिंदा बच जाते हैं। अब सारा को उस तहखाने में रहते हुए भी 20 साल पूरे हो जाते हैं और उसकी बेटी की हालत काफी ज्यादा ही खराब हो जाती है। उसे फिर से अटैक आ जाता है। सारा उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराने को कहती है पर डॉन साफ मना कर देता है। सारा अपने पहले बच्चे को मरता नहीं देखना चाहती थी तो वो जैसे तैसे डॉन को मना लेती है। डॉन रात में सारा और उसकी बेटी को ही तहखाने से बाहर लाता है और उसके बेटे को वहीं छोड़ देता है और कहता है कि अगर भागने का सोचा तो वो उसे वापस आकर उसके बेटे को मार देगा। अब 20 सालों में सारा पहली बार अपने उस तहखाने के दरवाजे से बाहर आती है और अपने घर को इतने सालों बाद देखती है। डॉन दोनों को हॉस्पिटल लेकर जाता है और बहुत बहुत मुश्किलों से सारा की बेटी की जान बचाई जाती है। अब सारा बाहर की लाइफ देख लेती है और किसी भी कीमत में वापस तहखाने में जाना नहीं चाहती है तो बस डॉन को अपने पास से दूर करना चाहती थी ताकि वो किसी को अपनी हालत बता सके और वो डॉक्टर के द्वारा दिए गए एक पेपर पर पानी गिरा देती है। डॉन काफी गुस्सा करता है पर ये तहखाना नहीं था और वो अपना हाथ नहीं उठा पाता और वो पेपर दोबारा लेने जाता है। इतने में सारा लेडी डॉक्टर के पास जाकर गले लग जाती है और प्लीज हेल्प मी कहती है और डॉन की तरफ इशारा करती है। डॉन वहाँ से निकलने लगता है पर इस बार सारा की किस्मत साथ दे देती है और वहाँ एक पुलिस ऑफिसर भी होता है जो डॉन को पकड़ लेता है और तब तक सारा उसे सब कुछ सच बता देती है, सब कुछ। फिर पुलिस डॉन को वहाँ से ले जाती है और उसके बेटे को भी घर के तहखाने से निकाल लेती है। सारा की मॉम ये देखकर लगभग सदमे में चली जाती है पर वो बच जाती है और अब डॉन को भी जेल हो जाती है। मूवी की एंडिंग में हम देखते हैं कि सारा के सारे बच्चे बाहर आकर खेल रहे थे और सारा भी अपनी रियल फैमिली के साथ काफी खुश थी। फिर वो अपने उसी बॉयफ्रेंड क्रिस्टोफर से मिलती है जो अभी तक सारा का वेट कर रहा था। वो दोनों एक नदी के किनारे होते हैं और फिर सारा उसके साथ बाइक में एक लॉन्ग ड्राइव पर चली जाती है और फिर मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मेरे जिक्र के टुकड़ों, ये फिल्म काफी इमोशनल थी। अगर आप
इस फिल्म की सच्ची कहानी जानना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और हाँ, अगर आपका मन हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। आई लव यू फैमिली। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। गुड बाय।